हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ टैली ईआरपी 9.0 का पूरा क्रैश कोर्स शुरू किए हैं। यह सेट यानी पार्ट 4, ठीक है। ये पूरा कंप्यूटराइज मैनेज होगा, यानी आप कंप्यूटर के माध्यम से कैसे आप टैली को पूरा पूरा यूज़ करेंगे, इसका मैं प्रैक्टिकली भी बताऊँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने बेसिक कुछ बता दिया है कि जैसे कैपिटल क्या होता है, परचेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, वो सब मैंने बता दिया है। अभी हम बात करेंगे बेसिक शॉर्टकट की के बारे में, जिनको हमें बार बार यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, अल्ट के साथ F3 करोगे तो कंपनी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा, और अल्ट F3 करके आप चाहो तो कंपनी बना सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको क्रिएट कंपनी मिलेगा, शट कंपनी मिलेगा, शट मतलब बंद करना, और अल्टर होता है, अल्टर मतलब अगर कोई चेंजेस करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना हो तो आप अल्टर का इस्तेमाल करोगे। और एक और चीज़, ESC बटन, ESC मतलब स्कैप बटन, जो आपके कीबोर्ड में ESC होता है, इसके माध्यम से अगर कुछ ओपन किए हो तो उससे बैक जाओगे, ठीक है ना। टू रिमूव वॉट हैज़ बीन टाइप इन टू अ फील्ड टू एग्जिट स्क्रीन, यानी कोई स्क्रीन ओपन है उसको अगर बंद करना है कोई भी डायलॉग बॉक्स को, तो ESC बटन यूज़ करोगे। अल्ट के साथ सी क्या है, टू क्रिएट अ मास्टर एट अ वाउचर स्क्रीन, यानी कहीं भी हो अगर ज़रूरत पड़ गया कोई लेज़र बनाने का, यूनिट बनाने का, ठीक है ना, अगर काम कर रहे हो तो आप अल्ट के साथ सी करके ना कहीं भी बना सकते हो। कोई वाउचर में काम कर रहे हो, कुछ छूट गया तो आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। F2 क्या होता है, F2 से यूज़ होता है, करेंट डेट को चेंज करना हो तो आप F2 का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और अल्ट F2 क्या होगा, अल्ट F2 से क्या होता है, पूरा पीरियड चेंज होता है। जैसे पीरियड की बात करें फाइनेंशियल ईयर, तो अगर 1/4/18 की मैं बात करूं तो ये ख़त्म कब होगा, 31/3/2019 पे, ओके, ठीक है। अब देखते हैं अल्ट के साथ F1 क्या होता है, अगर कंपनी कुछ डिटेल देखना हो तो अल्ट के साथ F1 करिएगा। F11 क्या होगा, कंपनी के फीचर आते हैं, ठीक है। और F2 क्या होता है, इससे इन्वेंट्री फीचर आएगा, ठीक है, इन्वेंटरी मतलब आइटम की बात करेंगे। और F1 क्या होता है, F1 इसमें इस्तेमाल होगा अकाउंट के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, अकाउंट से जितने फीचर होंगे उसमें मिलेंगे। एक होता है F3, F3 क्या होता है उसको मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। F3 से जितने भी टैक्सेशन वाली बात होती है, जैसे VAT हो गया, TDS हो गया, TCS हो गया, GST हो गया, वो सब आपको टैक्सेशन मिलेगा, यानी F3 में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद F12 क्या है, अगर आपको वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन करना है, यानी डेबिट क्रेडिट सेट करना है, सिंगल मोड से मल्टी मोड करना है, तो आप F12 का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन और अप्लीकेबल टू द ऑल द कंपनी इन अ डेटा डायरेक्टरी, अगर आपको सेट करना है, इसे स्टैंडर्ड वेट सेट करना हो तो आप F12 का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ और चीज़ें, उनको देखो। कंट्रोल वी क्या होता है, पर्टिकुलर मोड, यानी अगर आपको पर्टिकुलर मोड चेंज करना है तो आप जो कंट्रोल वी का इस्तेमाल करोगे, यानी जनरल इंटी जब आप करते हो ना तो उसको बोलते हैं ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और एक आइटम मोड मतलब क्या, क्वांटिटी की बात करते हैं, अगर इन्वेंट्री की बात करें, आइटम मोड की बात करें, ठीक है, तो हम बात करें इन्वेंट्री की बात करें, मतलब क्वांटिटी की बात करें, सीधी सी बात, ठीक है। जैसे मान लो कोई सामान खरीद रहे हो, जैसे 2 पीस कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर होगा। अगर पर्टिकुलर मोड मतलब क्या, कि 2000 का या 20000 का कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, तो वो एंट्री इसमें हो जाएगी। इसको मैं पूरा पूरा बताऊँगा कैसे हम जनरल एंट्री को सॉल्व करते हैं, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कंट्रोल एन से क्या होता है, अगर आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है तो टैली आपको कैलकुलेटर भी देता है, तो कंट्रोल एन से आप कैलकुलेटर को ओपन करोगे। कंट्रोल एम से क्या होगा, कैलकुलेटर को बंद करना है तो आप कैलकुलेटर को कंट्रोल एम से बंद कर पाओगे।